गाय गोबर और गणेश जी एक साथ ये शब्द थोड़े से अटपटे जरूर लग रहे होंगे क्योंकि गोबर के साथ गणपति को जो जोड़ दिया गया है। कोई बात नहीं, चलिए इन शब्दों का सार बताते हैं। दरअसल मुरादाबाद जनपद में बेसहारा घूमने वाले गोवंशियों की सेवा में पिछले कई सालों से लगे वाछड़े परिवार ने कुछ ऐसा ही अनोखा काम कर दिखाया है। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के पास श्री भगवती गो पुनर्वास आश्रम चलाने वाले दीपक वाछड़े परिवार ने कल गणेश चतुर्थी है और इसके लिए इन्होंने महीनों पहले से एक अनोखी कला के माध्यम से गणपति की प्रतिमाओं को बनाने में लगे हुए हैं, वो भी शुद्ध गाय के गोबर से। दीपक वाछड़े का मानना है कि उनके द्वारा बनाई जा रही गणपति जी की प्रतिमाएं पूरी तरीके से इको फ्रेंडली है, वातावरण को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी क्योंकि ये शुद्ध गाय के गोबर से बनी हुई हैं और विसर्जन के समय पानी में पूरी तरह से मिलकर नदी के जीव जंतुओं का आहार बन जाएंगी। वहीं इनके साथ काम कर रही इनकी बेटी सिद्धि वाछड़े का यहाँ तक कहना है कि जिस शुद्ध गोबर का ये प्रतिमाएं बनाने में प्रयोग कर रहे हैं उसमें तुलसी के बीज तक मिलाए हुए हैं जो नदी में मिलकर किनारे तक तुलसी के पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा। वाछड़े परिवार के अनुसार उनके पास अमेरिका सहित कई देशों के ऑर्डर आए हुए हैं और खास तौर पर महाराष्ट्र में उनके द्वारा बनाई जा रही मूर्तियों की बहुत मांग है जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। दीपक का कहना है कि उन्होंने इन प्रतिमाओं का कोई दाम निर्धारित नहीं किया है, वो एक सेवा के तौर पर लगे हुए हैं और लोग स्वेच्छा से जो पैसा भेजते हैं वो उसे गायों के रख रखाव में लगा रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सिद्धि वाछड़े है। आप जब देख रहे हैं आप कुछ प्रतिमाएं बना रहे थे जी, क्या आपको डिटेल्स बताइए क्या? ये प्रतिमाएं जो हैं ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं जिसका उद्देश्य ये है कि जो पीओपी की प्रतिमाएं होती हैं और जिनको गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है उस पीओपी से होने वाले प्रदूषण को बचाया जाए। हम प्रकृति को स्वच्छ रखने के लिए ये देसी गोबर से बनी हुई प्रतिमाएं बना रहे हैं। ये पानी में जाते ही डिजॉल्व हो जाएंगी और इसमें हमने कुछ बीज भी डाले हुए हैं जैसे तुलसी जी के बीज हो गए या कुछ बीज छोटे छोटे बीज होते हैं ये जाते और ये अपना भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ पर जाकर। तो ये मतलब गाय किस तरह का गोबर किस तरह का क्या है? जी नॉर्मल जैसे हम देसी गाय हमारे गोबर देती है, हम उस साफ साफ गोबर को इकट्ठा करते हैं, उसको ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, फिर उस गोबर को पीसा जाता है, फिर उसमें सही अनुपात में पानी मिलाया जाता है, उसके बाद सांचे के द्वारा इस गणेश जी की गणपति जी की मूर्ति को फ्रेम किया जाता है, उसके बाद जो कुछ है आपके सामने है कितनी सुंदर और ये आकर्षक प्रतिमाएं हैं और लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन किया है हमारा आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ को और आगे बढ़ भी रहे हैं और ये मूर्तियाँ बहुत सफल हो रही हैं। अभी आप पेंट कर रही थी? जी जी। किस तरह का पेंट है, क्या है, बस पेंट के बारे जी? एक्चुअली हम अपनी मूर्तियों को 100% पॉल्यूशन फ्री करना चाहते हैं कि 1% भी केमिकल इसके अंदर नहीं जाए, तो हम इसे पेंट कर रहे हैं जिससे कि और आकर्षक लगे। वैसे बहुत आकर्षक हैं लेकिन थोड़ा और मजबूती आए, तो इसमें सिर्फ वाटर सॉल्यूबल पेंट जो इसे वाटर कलर कहा जाता है वो किया जा रहा है, मतलब पानी में जाते ही ये भी डिजॉल्व हो जाएगा और किसी प्रकार का किसी को कोई हानि नहीं देगा, ना ही मछलियों को, ना ही पेड़ पौधों को, ना ही पानी ख़राब करेगा, ना ही मिट्टी ख़राब करेगा। ये बहुत ही अच्छा कलर हम इस पर कर रहे हैं। आगे कोई तरह का ऑर्डर कहाँ से क्या? जी हमारे पास इन मूर्तियों के लिए ना ही मुरादाबाद से बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हमारी मूर्ति अमेरिका तक जा चुकी है, कैंसर तक जा चुकी है। अराउंड 100 ऑर्डर्स हमारे पास, 100 मूर्ति के ऑर्डर अमेरिका से हैं, अराउंड 55-57 के ऑर्डर्स हमारे कैनेडा से हैं और मुंबई महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास हैं। लोगों ने इसमें बहुत रुचि दिखाई है। क्या तैयारी है आगे गणेश जी का? क्या तैयारी है? जी हमारी तैयारी पूरी है और हम आगे जी जान लगा के काम कर रहे हैं कि अपने काम को बहुत लोगों तक पहुँचाएँ और इसका फ़ायदा वो जितना ज़्यादा हो सके वहाँ तक हम पहुँचाएँ और हमारी तैयारी पूरी है। अब बस हमें अपने मूर्तियाँ हमारी डेली निकलती हैं, अराउंड 200 मूर्तियाँ हम डेली निकालते हैं जो दूर दूर जानी है। चाहे तो लाइट जलवा दूँ। दीपक जी, गणेश जी की प्रतिमाएं बना रहे हैं, क्या विशेषता है प्रतिमा की, क्या है खासियत? सब गणेश जी की जो ये प्रतिमा है ये इसकी विशेषता है कि ये शुद्ध देसी गाय के गोबर से बनी हुई है। देसी गाय के गोबर से बने होने के कारण इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। जब हम गणेश जी को विसर्जित करने जाते हैं नदियों में तो आमतौर पर स्थिति ये होती है कि नदी के किनारे पर बहुत सारी मूर्तियाँ जिनको आपने 10-15 दिन पूजा है उनको वैसे ही छोड़ करके आ जाते हैं।
और वहाँ पर माहौल जो होता है वो बड़ा अजीब सा होता है, कुछ अलग ढंग का माहौल हो जाता है कि वहाँ पर मूर्तियाँ अधगली हालत में पड़ी रहती हैं उसकी। कहीं तो हम गंगा की सफाई की बात करते हैं और कहीं पर हम वहाँ पर स्वयं गंदगी करके आ रहे होते हैं। उससे बचने के लिए गाय के गोबर से ये मूर्तियाँ हम लोगों ने बनाई हैं। ये 100% डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में। अगर आप इन्हें विसर्जित नहीं भी करना चाहेंगे तो आप इनको गमले में या अपनी क्यारियों में या अपनी पौधशाला में अगर केवल आप वहीं पर विसर्जित कर देंगे तो ये खाद का काम करेगी, कहीं पर भी ये वेस्टेज नहीं है आपके लिए। सबसे बड़ी बात कि जब आप इसे गंगा जी में विसर्जित करते हैं तो ये मछलियों को, जलीय जीवों का भोजन है। तो आप जब पीओपी की मूर्ति को उसमें डालते हैं गंगा जी में या किसी भी नदी में या किसी भी तालाब में जब विसर्जित करते हैं तो वो आम तौर पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाता है, जबकि देसी गाय का गोबर हमारी जलीय जीवों का भोजन है, उससे उनका फायदा होने वाला है। ये आइडिया कहाँ से आया? साहब देखिए, ये विगत लगभग 4.5 साल हमें इस गौआश्रम की सेवा कर गौआश्रम में गायों की सेवा करते हुए हुए हैं और कुछ ना कुछ शुरू से ही गायों के उत्पादों के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे भी गाय के, क्योंकि हमारे पास जो गाय हैं वो दूध वाली नहीं है। अब हमें जो उनकी उपयोगिता बनानी है, वो उत्पादकता जो बनानी है वो गौमूत्र और गोबर से बनानी है। तो वहाँ से इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे उत्पाद अपने जो समाज है उसको गाय के गोबर से हम दे पाएँ, जिससे एक तो जो गाय का गोबर आज की तारीख में इनको ठिकाने लगाना कह दें या इनका यूज़ करना बहुत कष्टकारी हो गया है। लोग वाग नगर निगम कहीं पर आपको गाय का गोबर जो नालों में बहाने नहीं देता, उठाने कोई आता नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसका यूज़ ढूंढने की कोशिश की गई। ऐसे में जब हमें पीओपी की मूर्तियों के बारे में जब देखते हैं तो लगा कि शायद हम इसको बना सकते हैं और अंततः बिटिया के साथ मिलकर के हम इसको बना पाए और हमें इसमें कामयाबी मिल गई।